कोरोना वबा की तीसरी खतरनाक लहर के बाद निजी और सरकारी कॉलेजेस में तालीमी सरगर्मियाँ गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुअत्तल रहेंगी। महकमा कॉलेज तालीम ने नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया। महकमा कॉलेज तालीम के मुताबिक निजी और सरकारी कॉलेजेस सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस ले सकेंगे। तालीमी इदारों की बंदिश और इम्तिहानात का मामला, बैन-सूबाई वज़राए तालीम कॉन्फ्रेंस आज होगी। वज़ीर तालीम शफकत महमूद इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में इम्तिहानात से मुतालिक हतमी फैसला मुतवक्के है। तालीमी इदारों में मौसम गर्मा की छुट्टियों का फैसला भी किया जाएगा। आपके पास जब बीमारी आती है तो आपके पास दो ही चॉइसेस हैं, या आप एग्जाम्स को कैरी करें या आप एग्जाम को मुलतवी कर दें, और तो कोई तरीका नहीं है। और क्योंकि ये तो हमने फैसला कर लिया था कि ग्रेड एग्जाम के बगैर नहीं मिलेगा, और ये फैसला 9, 10, 11, 12 के लिए भी है, क्योंकि उनका तो 9, 10, 11, 12 का पिछले साल इम्तिहान ही नहीं हुआ, तो किस बुनियाद पे उनको प्रमोट करेंगे। सो देयरफॉर ये फैसला कि एग्जाम अक्टूबर नवंबर में होगा, वो इसलिए है कि कैम्ब्रिज ने यह कहा कि उनका जो नेक्स्ट साइकिल है एग्जाम का वो अक्टूबर नवंबर में होता है। तो सारे ओ लेवल के बाकी सारे एग्जाम कर दिए, सिर्फ एक छोटी सी विंडो रखी उनको फैसिलिटेट करने के लिए। ये तो हम ये भी कह सकते थे कि जी सारे अक्टूबर नवंबर में जाएंगे, लेकिन उनको फैसिलिटेट करने के लिए ये अक्टूबर नवंबर में हम मुकम्मल एसओपीज के साथ इम्तिहानात करा लेंगे। क्या पता उस वक्त की बीमारी की वेव की किसी को नहीं पता। अनसर्टेनिटी नहीं है कि अक्टूबर नवंबर तक भी बच्चे वेट करें। मोहतरमा, ये कोई अनयूजुअल सिचुएशन है, ये कोई एक यूजुअल सिचुएशन है जो सारी दुनिया में अगर लाखों लोग इवन कोई मिलियन से ऊपर लोग अगर मारे गए हैं तो ये कोई यूजुअल सिचुएशन तो नहीं है।